वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मार्सीलिया, इसे वाटर फॉर्म भी कहते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है अक्रंस ऑफ मार्सीलिया कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो मार्सीलिया जो है एक्वेटिक होते हैं, यानी ये पानी में पाए जाने वाले प्लांट हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज जो हैं वो सेमी एक्वेटिक होती हैं, यानी थोड़े पानी में भी ये ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये गर्म इलाकों में बहुत ही आम पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में ये ग्रो करते हैं और पंजाब में घरों में यानी खाई वगैरह में ये ग्रो करते हैं। मार्सीलिया के दो बहुत ही कॉमन स्पीशीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं, मार्सीलिया क्वाड्रिफोलिया और मार्सीलिया मिनोटा। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मार्सीलिया। तो मार्सीलिया की प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होती है और ये डिफ्रेंशिएटेड होती है रूट्स, राइजोम और लीव्स में। तो फर्स्ट हमारे पास है राइजोम। तो राइजोम जो है ये स्टेम का पार्ट होता है, जिसे अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम कहते हैं, वो राइजोम कहलाता है। अब राइजोम जो है इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, यानी मार्सीलिया का राइजोम जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और ये ज़मीन का बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो कवर कर लेता है। राइजोम के अंदर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड अरेंजमेंट होती है, यानी दो दो ब्रांच में इसकी ग्रोथ होती है। राइजोम पे नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा राइजोम के जो वेंट्रल साइड पे नोड्स होते हैं, उन नोड से एडवेंटिशियस रूट्स जो है निकलती हैं, लेकिन डोर्सल साइड पे मौजूद हर नोड से एक सिंगल लीफ जो है अराइज होता है। अब वेंट्रल साइड कौन सी होती है और डोर्सल साइड कौन सी होती है? डोर्सल साइड जो है ये अपर साइड होती है और वेंट्रल साइड जो है ये इनर साइड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है लीव्स। तो मार्सीलिया के लीव्स जो है वो कंपाउंड होते हैं, यानी गुच्छों के फॉर्म में ग्रो करते हैं। हर लीफ का एक सिंगल लॉन्ग पेटियोल होता है और इस पेटियोल के ऊपर चार लीफलेट्स जो है वो ग्रो होते हैं। लीफलेट्स जो है ये क्रॉस लाइक मैनर में अरेंज होते हैं, यानी जैसे जरब का निशान होता है उसी पैटर्न में ग्रो करते हैं पेटियोल की टिप के ऊपर। हर लीफलेट जो है ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, यानी तीन कोनों वाला लीफलेट होता है और लीफलेट के अंदर जो वेंस होती हैं वो रेटिकुलेट अरेंजमेंट बनाती हैं। स्टोमेटा लीफलेट्स के डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम। तो राइजोम क्या होते हैं? अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम। राइजोम का इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ होता है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और सेंट्रल स्टील का। तो फर्स्ट हमारे पास है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है आउटर कवरिंग होती है राइजोम की। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे का पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और मार्सीलिया के राइजोम के अंदर कॉर्टेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कॉर्टेक्स का जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो पैरेन्काइमा सेल्स पर मुश्तमिल होता है और इस पेरिफेरल पोर्शन के इर्द गिर्द लार्ज एयर चैम्बर्स के रिंग पाए जाते हैं। इस पोर्शन को हम एरेन्काइमा कहते हैं, क्योंकि ये एयर रिंग्स होते हैं और एयर को स्टोर करते हैं, इसीलिए हम इनको एरेन्काइमा कहते हैं। कॉर्टेक्स का जो इनर पोर्शन होता है वो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है। एंडोडर्मिस जो है कॉर्टेक्स के इनर साइड में प्रेजेंट होती है और एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जो है वो पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स में। नेक्स्ट हमारे पास है स्टील। तो मार्सीलिया के अंदर एम्फीफोलिक सोलिनोस्टील पाई जाती है और इस एम्फीफोलिक सोलिनोस्टील के अंदर सेंटर में एक पिथ मौजूद होती है। एम्फीफोलिक सोलिनोस्टील या आपको टाइप्स ऑफ स्टील में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो ये हमारे पास स्पोरोफाइट ऑफ मार्सीलिया, यानी प्लांट बॉडी ऑफ मार्सीलिया। तो मार्सीलिया का ये है राइजोम, जिसकी ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड होती है और इसके अंदर डाइकोटोमसली अरेंजमेंट ऑफ ब्रांच पाई जाती है, यानी दो दो ब्रांच जो है वो ग्रो करती हैं। और मार्सीलिया का जो राइजोम होता है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। तो ये है इसका नोड, जिसके वेंट्रल पोर्शन से रूट निकलती हैं और डोर्सल पोर्शन से जो है लॉन्ग पेटियोल वाला लीफ अराइज होता है और नोड से राइज होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। दो नोड्स के दरमियान में जो पोर्शन है उसे कहते हैं इंटरनोड और इस पूरे को कहते हैं राइजोम। मार्सीलिया का जो लीफ होता है उसका एक लॉन्ग पेटियोल होता है और उस पेटियोल की टिप के ऊपर जो है क्रॉस मैनर में चार लीफलेट्स पाए जाते हैं। तो ये क्रॉस मैनर में है इस तरह, बिल्कुल जरब के निशान की तरह ये लीफलेट पाए जाते हैं। अब ये लीफलेट्स जो हैं ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, यानी तीन कोनों वाले होते हैं। अब ये लीफलेट्स के दोनों साइड्स पे स्टोमेटा मौजूद होते हैं। तो ये था हमारे पास स्पोरोफाइट ऑफ मार्सीलिया का स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट हमारे पास ये इंटरनल स्ट्रक्चर है मार्सीलिया की राइजोम का, जिसके सेंटर में पिथ पाई जाती है और पिथ के आउटर पाई जाती है इनर पेरिसाइकल और इनर पेरिसाइकल के आउटर पाई जाती है इनर एंडोडर्मिस। उसके बाद पाया जाता है इनर फ्लोएम और आउटर फ्लोएम। इनर एंड आउटर फ्लोएम के दरमियान में जाइलम मौजूद होता है
और जाइलम के आउटर साइड पे पाया जाता है आउटर पेरिसाइकल, और आउटर पेरिसाइकल के आउटर पाया जाता है आउटर एंडोडर्मिस। मार्सिलिया का जो राइजोम होता है उसका कॉर्टेक्स एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो ये बहुत ज्यादा एरिया क्या है उसका कॉर्टेक्स का है। कॉर्टेक्स के पेरिफेरल पोर्शन में लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं जिन्हें एयर चैम्बर्स कहते हैं, उन्हें कहते हैं एरेन्काइमा, क्योंकि इन चैम्बर्स के अंदर एयर स्टोर होती है। और राइजोम की सबसे आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस। तो ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम। नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो मार्सिलिया के जो लीफ होते हैं उनकी दोनों सरफेस के ऊपर एपिडर्मिस पाई जाती है, और एपिडर्मिस जो है वो कवर होती है क्यूटिकल से। क्यूटिकल जो है ये एपिडर्मिस के ऊपर की लेयर होती है, इसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं, और स्टोमेटा इस क्यूटिकल के अंदर मौजूद होते हैं। मेसोफिल सेल जो है दोनों एपिडर्मिस के दरमियान में पाए जाते हैं, और मेसोफिल सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स के। हर लीफ के दरमियान में एक सिंगल वेन जो है वो पास आउट होती है, यानी मार्सिलिया की हर लीफ के अंदर एक लार्ज वेन पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्सिलिया की रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेंगे स्पोरोकार्प को। तो मार्सिलिया का प्लांट जो है वो हेटरोस्पोरस होता है, यानी दो तरह के स्पोर्स जो हैं इसमें प्रोड्यूस होते हैं। मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। दोनों तरह के स्पोरेंजिया जो हैं वो एक ही सोरस के अंदर पाए जाते हैं। अब सोराई जो है एक हार्ड फ्रूट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, जिसको स्पोरोकार्प कहते हैं। स्पोरोकार्प जो है पेटियोल के बेस पर अटैच होता है एक शॉर्ट स्टॉक के जरिए, जिसे पेडंकल कहते हैं। स्पोरोकार्प जो है एक बीन शेप होता है, यानी लोबिया की शक्ल का होता है। इसकी हार्ड और स्टोनी वाल होती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। वाल जो है उसके अंदर सिंगल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। स्पोरोकार्प के अंदर दो चैम्बर्स होते हैं, हर चैम्बर के अंदर रो ऑफ सोराई मौजूद होते हैं, और दोनों सोराई की जो रो होती हैं ये एक दूसरे के अल्टरनेट होती हैं। हर सोरस अपनी वाल खुद बनाता है जिसे कहते हैं इंडोसियम। हर सोरस के अंदर मेगास्पोरेंजियम और बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो रो की शक्ल में पाए जाते हैं, यानी कितार की फॉर्म में मौजूद होते हैं। यंग स्पोरोकार्प में वाल की इनर साइड पे प्रोड्यूस होता है। प्लेसेंटा की दोनों साइड जो हैं वो एक दूसरे की अल्टरनेट होती हैं। मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया एक ही प्लेसेंटा के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, यानी सेम प्लेसेंटा के अंदर दोनों स्पोरेंजिया डिवेल्प होती हैं। हर प्लेसेंटा जो है वो अपनी कवरिंग खुद बनाता है, जिसे एंडोसियम कहा जाता है। जैसे आपको पहले बताया, मेगास्पोरेंजिया पहले मैच्योर हो जाता है एज कम्पेयर माइक्रोस्पोरेंजिया के। हर मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक सिंगल मेगास्पोर पाया जाता है जैसे ही मेगास्पोरेंजियम मैच्योर होता है, लेकिन हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं जब माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर होते हैं। तो इसके अंदर मोस्टली 32 to 64 माइक्रोस्पोर्स डिवेल्प होते हैं। मार्सिलिया के स्पोरोकार्प में इंडोसिया को छोड़ के तमाम टिश्यूज जो हैं ये जिलेटिनाइज हो जाते हैं जब स्पोरोकार्प मैच्योर होता है, यानी जिलेटिन लाइक मटेरियल से कवर अप हो जाते हैं। तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है स्पोरोकार्प का। तो ये बिल्कुल बीन शेप का टेक्सचर है। यह इसका स्टॉक बंडल जिसके साथ ये पेटियोल के बेस के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इसकी आउटर कवरिंग जो है जिसे स्पोरोकार्प वाल कहते हैं वो दो वाल की बनी हुई होती है, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। यह है इसके अंदर जिलेटिनस रिंग जो कि मैच्योर होने के बाद स्पोरोकार्प के तमाम टिश्यूज को जिलेटिनाइज कर देता है। स्पोरोकार्प की वाल के बाद इसके अंदर लेटरल बंडल्स पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं लेटरल ब्रांचेस। लेटरल ब्रांचेस से डिवेल्प होती हैं प्लेसेंटल ब्रांच, और प्लेसेंटल ब्रांच से डिवेल्प होता है प्लेसेंटल बंडल, और प्लेसेंटल बंडल जो है वो डिवेल्प करता है एक प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो अपनी आउटर कवरिंग खुद बनाता है जिसे कहते हैं इंडोसियम। इंडोसियम के अंदर जो है वह सोरस पाया जाता है, और सोरस के अंदर जो है माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम जो है वो डिवेल्प होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये दो दो की फॉर्म में जो स्पोरेंजिया नजर आ रही है माइक्रोस्पोरेंजिया, और एक लार्जर मेगास्पोरेंजियम जो है इनके अंदर पाया जाता है, और ये एक रो की फॉर्म में डिवेल्प होते हैं। और जो प्लेसेंटा होते हैं ये एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, यानी एक प्लेसेंटा फिर ये दूसरा प्लेसेंटा, और दो प्लेसेंटा के सामने जो है एक प्लेसेंटा। तो मीन इस तरह इनकी अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है स्पोरोकार्प के अंदर। यह है स्पोरोकार्प का वेंट्रल सेक्शन। तो ये डायग्राम जो है ये सेंटर की तरफ से ली गई है, और ये वाली डायग्राम जो है ये पेरिफेरी की तरफ से ली गई है। तो इसमें इजीली नजर आ रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम,
और माइक्रोस्पोरेंजियम के आउटर जो है ये जिलेटिनाइज रिंग पाया जाता है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के दरमियान में पाए जाते हैं इंडोसियम, यानी इस वर्टिकल सेक्शन में हमें ये दरमियान में शो हो रहा है, लेकिन अदरवाइज इंडोसियम जो है ये आउटर कवरिंग होती है, और ये है वाल ऑफ स्पोरोकार्प। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास मेगास्पोरेंजियम नजर आ रहा है, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर भी हमें नजर आ रहा है इंडोसियम, हालांकि ये अंदर नजर आ रहा है लेकिन ये आउटर कवरिंग होती है प्लेसेंटा की, जिसे इंडोसियम कहा जाता है। मेगास्पोरेंजियम में लेटर बंडल भी पाए जाते हैं, और ये सेम वाल है वाल ऑफ स्पोरोकार्प। और मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द क्या है, जिलेटिनस रिंग। नेक्स्ट हमारे पास है डिवेलपमेंट ऑफ स्पोरोकार्प। बिलीव किया जाता है कि स्पोरोकार्प जो है एक सिंगल फोल्डेड पिन्ना होता है, और इस पिन्ने के अंदर एक सिंगल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। रिसेप्टेकल को हम प्लेसेंटा भी कहते हैं, यानी प्लेसेंटा एंड रिसेप्टेकल एक ही चीज़ के नाम है। प्लेसेंटा जो है वो पिन्ना के वेंट्रल साइड पे डिवेल्प होते हैं, और ये रिसेप्टेकल्स यानी प्लेसेंटा स्पोरेंजियल इनिशियल रखते हैं, और जिस स्पोरेंजियल इनिशियल्स में फर्दर जो है डिवेलपमेंट के बाद माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजियम डिवेल्प होते हैं। हर सेप्टेकल यानी हर प्लेसेंटा जो है वो स्पोरेंजियम डिवेल्प करता है, जिसे सोरस कहा जाता है। पिना के मिडरिब की साइड पे यानी इनर साइड पे एक आउटग्रोथ डिवेल्प होती है, और इस आउटग्रोथ के ऊपर एक कवरिंग जो है वो डिवेल्प हो जाती है, इस कवरिंग को इंडोसियम कहा जाता है, और ये इंडोसियम जो है हर प्लेसेंटा अपना खुद डिवेल्प करता है। पिना की दोनों साइड्स के मार्जिन जो है आपस में मिल जाते हैं, और डिवेल्पिंग सोराइड जो है ये कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है। वाल के सेल जो है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पोरोकार्प की शेप जो है एक बिल्कुल बीन लाइक यानी लोबिया की जैसे हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डेहिसेंस ऑफ स्पोरोकार्प, कि स्पोरोकार्प की ड्राइनेस किस तरह होती है। स्पोरोकार्प जब मेच्योर हो जाता है तो वो ओपन हो जाता है, लेकिन स्पोरोकार्प की मेच्योरिटी जो है वो 2 या 3 साल के बाद होती है। इसकी जो स्टोनी वाल होती है वो ब्रेक हो जाती है, और स्पोरोकार्प ओपन हो जाता है, जो इसकी इनर जिलेटिनस मटेरियल होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और स्वेल हो जाता है। अब जैसे ही जिलेटिनस मटेरियल स्वेल होता है वो स्पोरोकार्प के दोनों वाल्स को ब्रेक करता है, और जैसे ही स्पोरोकार्प ब्रेक होता है तो उसके अंदर जो जिलेटिनस कॉर्ड या स्पोरोफोर होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और स्वेल हो जाता है, और एक कीड़े की तरह यानी वर्म की तरह जो है ये स्पोरोकार्प से बाहर निकल आता है, और ये अपने साथ अटैच सोराइड भी निकाल के बाहर ले आता है। अब स्पोरोफोर जो है ये सेटरेट हो जाता है बिल्कुल, और स्पोरेंजियल वाल और इंडोसिया जो है वो जिलेटिनाइज हो जाते हैं, और इस तरह स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। स्पोर्स जो हैं लॉन्ग पीरियड तक एक जगह पे पड़े रहते हैं, उसके बाद उनके अंदर डिवेलपमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। तो ये था हमारा आज का लेसन।